So today we will be covering individual row functions in SQL, right? So आज के क्लास में हम इंडिविजुअल रो फंक्शंस करेंगे. आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशनड है कि कौन कौन से इंडिविजुअल रो फंक्शंस आपको करने हैं. आईपी स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस में है, इस पे आपको काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं. लेकिन अगर आप सीएस स्टूडेंट हैं तो भी आप ये सारे फंक्शंस कर सकते हो इफ यू आर गिविंग दी सीयूईटी एग्जाम, और अदरवाइज भी नॉलेज के लिए करने में भी कोई हार्म नहीं है, राइट? सो आप जैसे कि क्लियरली सिलेबस में देख सकते हो, आपका जो आईपी का 12th का सिलेबस है उसमें पहला टॉपिक है रिवीजन ऑफ डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स एंड एसक्यूएल कमांड्स कवर्ड इन क्लास 11, जो हम कल से शुरू करेंगे. सो कल हम करेंगे बिल्कुल शुरू से एसक्यूएल, डीडीएल कमांड्स वी विल स्टार्ट विद. बट आज हम जो कर रहे हैं वो है ये पार्ट, दिस पार्ट. आप देख रहे हो सिलेबस का कितना पार्ट तो सिर्फ यही है ना? तो आप कह सकते हो आधा सिलेबस यही है. तो अगर 25 मार्क्स का आपका एसक्यूएल आ रहा है तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन तो आपके इसी पे बेस्ड होंगे, ठीक है, ऑन दीज फंक्शंस. सो मैथ फंक्शंस में आपको तीन ही फंक्शंस करने हैं, पावर, राउंड, मोड. टेक्स्ट फंक्शंस में यू हैव टू डू यू के सब पर, एल के स्लोअर, मिड, सब स्ट्रिंग, सब एस टी आर. इसमें लेंथ, लेफ्ट, राइट, इन एस टी आर सबसे ज्यादा जो है वो स्ट्रिंग फंक्शंस है आपके, ठीक है. देन डेट फंक्शंस में है नाउ, डेट, मंथ, मंथ नेम, ईयर, डे एंड डे नेम. सो पहले हम फटाफट से मैथ और डेट फंक्शंस डिस्कस करेंगे क्योंकि वो थोड़े से हैं, और फिर आराम से करेंगे टेक्स्ट फंक्शंस क्योंकि वो बहुत सारे हैं और उसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. सो फंक्शंस सबसे पहली बात तो है कि होता क्या है. सो व्हाट आर एग्जैक्टली फंक्शंस, ठीक है. फंक्शंस क्या होते हैं? देखो फंक्शंस आपने बहुत बार बहुत जगह पे पढ़ा है कि फंक्शन इज अ नेम्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स. सो फंक्शन को अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि फंक्शन इज अ नेम्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स विच इज यूज टू अकम्प्लिश अ टास्क, है ना. तो एक कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स कहीं पे लिखी हुई है, उसका एक नाम है, आप उसे कॉल कर सकते हो ताकि वो आपको आपका काम करके दे, उसे हम फंक्शन कहते हैं. अब एसक्यूएल में स्पेसिफिकली जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो दो तरह के फंक्शंस आप क्वेरीज में यूज कर सकते हो. एक होते हैं एग्रीगेट फंक्शंस और एक होते हैं इंडिविजुअल रो फंक्शंस, ठीक है. एग्रीगेट फंक्शंस को हम ग्रुप फंक्शंस या मल्टी रो फंक्शंस भी कह सकते हैं. तो आप एग्रीगेट फंक्शन बोलो, मल्टी रो फंक्शन बोलो, ग्रुप फंक्शन बोलो, एक ही बात. और जो दूसरी चीज है वो है इंडिविजुअल रो फंक्शंस, ठीक है. आपसे ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि फंक्शंस में क्या डिफरेंस है इंडिविजुअल रो में और मल्टी रो में, ठीक है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट फंक्शंस, सो वी हैव एग्रीगेट फंक्शंस, ठीक है, या फिर हम उसको क्या कह सकते हैं, इंडिविजुअल रो फंक्शन. एग्रीगेट फंक्शंस के बहुत सारे नाम हैं. एग्रीगेट फंक्शन को आप मल्टी रो फंक्शन भी कह सकते हो, ठीक है. सो एग्रीगेट कैन बी कॉल्ड एज मल्टी रो फंक्शन. एग्रीगेट फंक्शन कैन बी कॉल्ड एज ग्रुप फंक्शन. सो एनी ऑफ द नेम्स यू कैन यूज. बट इसमें क्या फर्क है? देखो, अगर आपका एक फंक्शन ऐसा है जो कि मल्टीपल इनपुट्स ले रहा है, मतलब वो मल्टीपल रो से डेटा ले रहा है और उसके ऊपर काम करके एक रिजल्ट दे रहा है, तो वो एग्रीगेट फंक्शन है, ठीक है. अगर आपको डिफरेंस आता है एग्जाम में तो ऐसे करके डायग्राम भी जरूर बनाना, इट गिव्स यू बेटर प्रेजेंटेशन, और उसके बाद आप डिफरेंसेस लिख सकते हो. एंड इन केस यू हैव ओनली वन इनपुट वन आउटपुट, दैट इज योर इंडिविजुअल रो फंक्शन, ठीक है. सो जो एक ही वैल्यू लेता है उस पर काम करता है और एक रिजल्ट देता है, उसे हम इंडिविजुअल रो फंक्शन कहते हैं. और जो मल्टीपल रोज पे काम करके सिंगल रिजल्ट देता है वो आपका मल्टी रो फंक्शन होता है. सो सिंगल पे काम करके सिंगल रिजल्ट देगा तो इंडिविजुअल रो फंक्शन हो गया. मल्टीपल पे काम कर रहा है, सिंगल रिजल्ट दे रहा है, जैसे कि सम, एवरेज, मिनिमम वैल्यू निकालना, मैक्सिमम वैल्यू निकालना, है ना, ये सब क्या हो गए हमारे ग्रुप फंक्शंस. पर हम आज जो कर रहे हैं वो है इंडिविजुअल रो फंक्शंस, जिसमें एक वैल्यू जाएगी और एक रिजल्ट आएगा, ठीक है. यहां तक क्लियर है ना? फाइन. अब ये जो चीज है आपकी फंक्शंस वाली, ये आप तीन कैटेगरीज में कर रहे हो. यहाँ पर मैथ या फिर न्यूमेरिक फंक्शन आपकी पहली कैटेगरी है, ठीक है. इसमें सिलेबस में तो सिर्फ तीन ही फंक्शंस मेंशन है. सो इफ यू लुक एट द सिलेबस, वी हैव ओनली पावर, राउंड एंड मॉड. फिर इसके अलावा और भी फंक्शंस होते हैं. सो सबसे पहले तो इन तीनों को देख लेते हैं, पावर, राउंड एंड मॉड. राउंड एक ऐसा फंक्शन है जिसपे 100% क्वेश्चन आना ही आना है. देर इज नो पॉसिबिलिटी कि आपके पास राउंड के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन ना आए.
राउंड के ऊपर क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है। पावर देखो नाम से पता चल रहा है, रेस टू द पावर निकालने के काम आएगा। सो अगर आप लिखते हो सिलेक्ट पावर 2.5 सेमीकोलन, सो इट विल गिव मी 32, राइट। अब आपको ये क्या आ सकता है, इसका क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है कि या तो क्वेरी लिखी होगी, आउटपुट बताना होगा, या आपको बोल सकते हैं कि इसको एक्सप्लेन करो। तो जब आप एक्सप्लेन करोगे तो आप यहाँ पर लिखोगे कि पावर में हमें बेस देना पड़ता है और एक्सपोनेंट देना पड़ता है। सो फर्स्ट यू राइट डाउन द सिंटेक्स, एक्सप्लेन की फंक्शन क्या करता है, गिव एन एग्जाम्पल एंड देन शो द रिजल्ट ऑफ द एग्जाम्पल। सो ये आपको पावर कैलकुलेट करके देता है, दिस रेज टू द पावर दिस। मॉड इज टू फाइंड रिमाइंडर, सो इसमें हम क्या देते हैं, डिविडेंड जिसको डिवाइड करना है, कॉमा डिवाइजर जिससे डिवाइड करना है, और ये आपको क्या देगा, रिमाइंडर। जो पाइथन में परसेंटेज साइन का काम होता है वो यहाँ पर आपके मॉड फंक्शन का काम होता है। जैसे कि अगर आपने लिखा सिलेक्ट मॉड 10.2, तो इससे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। 10 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर इज 0। हम जब 10 को 2 से डिवाइड करते हैं वो प्रॉपर डिवाइड हो जाता है, कोई रिमाइंडर नहीं बचता, दैट्स वाई द रिमाइंडर विल बी 0। अगर आप लिखते हो सिलेक्ट मॉड 15.4, सो 15.4, 4 3s are 12 होता है, ठीक है, 4 3s are 12 होता है, रिमाइंडर भी क्या बच गया, 3। सो ये आपको हमेशा रिमाइंडर देगा। सो इफ यू वॉन्ट रिमाइंडर यू यूज मॉड फंक्शन फॉर दैट। सो पावर और मॉड तो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अब मैं आपको पहले ये यूज करके दिखाती हूँ। सो इसको हम यूज करेंगे कहाँ पर, एसक्यूएल में। ये हमारा एसक्यूएल है, यहाँ पर मैंने लिखा सिलेक्ट मॉड 12.5। सो 12.5 में आपका मॉड आएगा 2, क्योंकि 5 2s are 10 होता है, रिमाइंडर बच गया इतना। अगर आप यहाँ पर 12 की जगह 13 कर देते तो रिमाइंडर 3 आ जाता। अगर आप यहाँ पर 15 कर दोगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। सो देयर इज नो रिमाइंडर लेफ्ट, है ना। सो क्योंकि 15 5 से प्रॉपरली डिवाइड होता है। सिमिलर वे अगर आप यहाँ पर लिख रहे हो सिलेक्ट पावर 2.8, सो दिस इज द पावर। सिलेक्ट पावर 10.4, सो वी गेटिंग इट लाइक दिस। तो आप कोई भी पावर निकालना चाहते हो तो वो पावर फंक्शन से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज द पर्पस ऑफ पावर, गॉट इट, ये क्लियर है। अब इसके बाद व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद व्हाट नेक्स्ट में जो हमारे पास आ जाता है वो है आपका राउंड, जिसके ऊपर आपका क्वेश्चन आना ही आना है। तो राउंड का काम है सिंपल वैल्यू को राउंड ऑफ करना। लाइक मैंने लिखा 1762 पॉइंट समथिंग समथिंग कॉमा 2, तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक आप इसको राउंड करना चाहते हो। आपके पास क्या आया, 1672 पॉइंट, डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट। सो डेसिमल के बाद 2 डिजिट कौन से हैं, 6 और 5। सो 1672.65 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। सो 1672.65 इज योर आंसर, दैट्स हाउ वी गेट इट, ठीक है। अब अगर ये 65 के बाद 3 ना होता, यहाँ पर जो नंबर होता वो 5 या 5 से बड़ा होता, तो पीछे एक ऐड हो जाता। अब देखो 65 नहीं आया, 66 आया है। ऐसे ही अगर मैं 1 डेसिमल प्लेस तक करती हूँ तो 1 डेसिमल प्लेस तक दिखाएगा, और वहां पे 6 के बाद 5 था इसलिए पीछे एक ऐड हो गया, वो 7 बन गया, ग्रेट। सो अब राउंड देखो कैसे यूज हो रहा है आपके पास। राउंड का जो सिंटेक्स है, यहाँ पर हम वैल्यू देते हैं और यहाँ पर बताते हैं कितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक आपको उसे रखना है। सो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट सिलेक्ट राउंड 183.7164, ठीक है। अब मैंने अगर यहाँ पर कॉमा 3 दे दिया, सो कॉमा 3 का मतलब क्या है, आई हैव टू कीप अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर कॉमा 2 दे दिया तो आई हैव टू कीप अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। मैं आपको अभी ये सारे एग्जाम्पल समझाऊंगी जो मैं यहाँ लिख रही हूँ। आई हैव टू कीप अप टू 1 डेसिमल प्लेस,
अगर मैं कुछ भी ना लिखूं तो बाय डिफॉल्ट जीरो डेसिमल प्लेस होता है, ठीक है, पर अगर आप जीरो लिख भी दोगे तो भी वो जीरो ही लेगा, हम कुछ नहीं भी लिखेंगे तो भी बाय डिफॉल्ट जीरो होता है। एंड इवन आप इसको नेगेटिव में भी ले सकते हो, आप चाहो तो इस वैल्यू को नेगेटिव में भी ले सकते हो, सो इट कैन बी लाइक माइनस वन, है ना। सिमिलर वे आपका ये माइनस टू भी जा सकता है। कॉमा माइनस टू ऐसे भी जा सकता है, ठीक है। तो मैं आपको ये सारे समझाती हूँ कि कैसे काम करेंगे। पहले सबसे पहले से शुरू करते हैं। चलो आपको थ्री डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना था, ठीक है। थ्री डेसिमल प्लेस का मतलब है कि मुझे यहां तक चाहिए, मतलब डॉट के बाद मुझे तीन डिजिट चाहिए, ठीक है। सो डॉट के बाद मुझे तीन डिजिट चाहिए और वो ये है। अब आप इससे अगला डिजिट देखते हो, इससे अगला डिजिट है फोर, जो कि फाइव से छोटा है। सो लेस देन फाइव है तो नो एड, हम कुछ भी एड नहीं करेंगे। तो अगर वो पांच से छोटा है, आप पिछली जगह पर कुछ भी एड नहीं करोगे, आपका आंसर आएगा 183.716, राइट सुमन? 717 नहीं होगा, इट विल बी 716, क्योंकि यहाँ पर फोर है, पीछे हम कुछ भी एड नहीं करेंगे, तो वो आपका आंसर देगा 183.716, राइट? अब अगर आप लिख रहे हो सिलेक्ट राउंड 183.7164.2, तो यहां पर हमें टू डेसिमल प्लेस तक चाहिए इधर, सो वी वांट ओनली अप टू टू डेसिमल प्लेसेस। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 183.72। नाउ व्हाई इट विल बी 72, क्योंकि ये 6 है, 6 इज ग्रेटर देन 5, सो प्लस 1 इन प्रीवियस डिजिट, तो जो इसके पीछे वाला डिजिट है उसमें आप एक ऐड कर दोगे, तो ये 71 की जगह 72 हो जाएगा। सो हमेशा आपको जहां तक रखना है, इस नंबर का मतलब है डेसिमल के बाद उतने डिजिट होने चाहिए, तो इसमें डेसिमल के बाद तीन डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद दो है, तीसरे डिजिट को आपको देखना है कि वो फाइव से बड़ा है या नहीं, अगर है तो हम ऐड कर देंगे वन, अदरवाइज नहीं करेंगे। ऐसे यहां पर है सिलेक्ट राउंड 183.7164.1, इससे क्या होगा, वन डेसिमल प्लेस, मतलब यहीं तक रखना है आपको। अगला डिजिट क्या है, 1, which is less than 5, मतलब कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, 183.7 is your answer. So very good Dipanjali, बिल्कुल सही दिया आपने इन तीनों का आंसर, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? अब जीरो डेसिमल प्लेस मतलब आपका आंसर होल नंबर होना चाहिए, सो इट शुड बी अ होल नंबर, देयर शुड बी नो डिजिट आफ्टर द डेसिमल, पर ये डिजिट क्या है 7, इट्स ग्रेटर देन 5, तो प्लस 1 करेंगे और आंसर क्या होगा 184, वेरी गुड। यहां तक किसी को कोई डाउट है? अब देखो जब नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, नेगेटिव में बहुत सिंपल है, अगर आप नेगेटिव को देख के डर जाओगे या घबरा जाओगे कि नेगेटिव कैसे सॉल्व होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बट नेगेटिव बहुत इजी होता है, उसको देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना। देखो माइनस वन का मतलब होता है नियरेस्ट 10, है ना। अब आपके पास 183 है, 183 किसके बीच में लाया करता है, 180 और 190। सबसे पहली चीज जो देखनी है वो ये है कि अगर नेगेटिव है तो ये तो भूल ही जाओ, ठीक है, अगर नेगेटिव है इस पार्ट को तो छोड़ ही दो, इसको तो देखना ही नहीं हमने, है ना, इससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है अब। सो डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं आएगा और इसको आपको देखना भी नहीं है, नथिंग टू डू विद दिस, इसके साथ कुछ नहीं करना हमें, हम सिर्फ आगे का पार्ट देखेंगे। अब है 183, माइनस वन मतलब टेंस प्लेस, टेंस प्लेस मतलब 183 लाए करता है 180 और 190 के बीच में, तो 183 किसके पास लाए करता है, 183 इज नियर टू व्हाट, 180 या 190, इट्स नियर टू 180, सो आंसर क्या आ जाएगा 180, है ना। अगर ये 185 होता तो 190 आता, सो 185 होता तो भी 190 आता, 186 होता तो भी, 187 होता, 188 होता, इसमें से कुछ भी होता तो आपके पास आंसर 190 आता, ठीक है। सो दिस इज 180। अब यहां पर माइनस टू, सो ये क्या है, नियरेस्ट 10, और जब माइनस टू होता है यू हैव टू राउंड अप टू नियरेस्ट 100, सो 183 है, हंड्रेड में अगर देखूं तो ये 100 और 200 के बीच में लाया करता है ना, इट लाइज बिटवीन 100 एंड 200,
तो अब 183 किसके ज्यादा पास है, 200 के या 100 के? 200 के ऑब्वियसली, है ना? तो 150 ऑनवर्ड्स अगर नंबर है आपका तो उसका आंसर 200 ही आएगा. सो इफ इट इज 150 ऑनवर्ड्स माय आंसर इज गोइंग टू बी 200. लेकिन अगर 149 तक होता तो आपका आंसर 100 आता. ठीक है, सो बिल्कुल बेसिक मैथ्स वाला राउंड है, कुछ अलग चीज नहीं है. सो इसी को आपको करना है. अगर हम -3 कर देंगे, खैर यहाँ तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, पर अगर -3 होगा तो आप नियरेस्ट 1000 तक करोगे, -4 होगा तो नियरेस्ट 10,000 तक करोगे. सो दैट इज द पर्पस ऑफ नेगेटिव वैल्यू इन द राउंड. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एक बार हम सारे फंक्शंस डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराती हूँ भी, ठीक है? बट फर्स्ट जस्ट रिवाइज कि कौन कौन से फंक्शंस हैं और कैसे काम करते हैं. सो राउंड इज क्लियर टू एवरीवन? एनी सॉर्ट ऑफ डाउट्स? एक राउंड का भाई होता है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट बाय चांस अगर पूछ ले, उसका नाम है ट्रंकेट. ठीक है, वी डोंट हैव इट एज सच मेंशन्ड इन द सिलेबस, बट उसमें क्या होता है, उसमें ना ये चीज फर्क ही नहीं पड़ती कि आपके पास अगला डिजिट 5 है या नहीं है. जैसे आप यहाँ 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड कर रहे हो, सॉरी ट्रंकेट कर रहे हो, तो भी आंसर आपका यही आएगा. तो 6 5 से बड़ा है, लेकिन वो पीछे 1 ऐड नहीं करता. सो इट नेवर एड्स 1 टू द लास्ट डिजिट. आपको उतने डेसिमल प्लेसेस तक दिखा देगा जो आपको चाहिए, पर +1 कभी नहीं करेगा. सो इट नेवर गोज ऑन द हायर साइड, ये हमेशा आपको लोअर वैल्यू ही दिखाएगा, ये कभी भी आपको हायर वैल्यू नहीं दिखाता. सो हम क्या कहते हैं कि राउंड और ट्रंकेट काम तो एक जैसा करते हैं, बट ट्रंकेट थोड़ा आलसी होता है, ये +1 वाला स्टेप खा जाता है, वो नहीं करता. ठीक है, अदरवाइज यू गेट द सेम रिजल्ट, बट इट विल नेवर एड 1 टू द लास्ट डिजिट. सो आपके पास अब चाहे 7134 हो तो भी 7-1 आएगा, 7164 हो तो भी 7-1 ही आएगा. ठीक है, वेरी रेयर कि आपसे ये पूछा जाए, बिकॉज पहले था सिलेबस में, अब रिमूव हो चुका है, बट स्टिल आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू कि ये भी एक फंक्शन होता है. ठीक है, अब इसके बाद आती है बारी डेट फंक्शंस की. देखो, डेट फंक्शंस में सबसे पहली तो बात है कि हमें अभी करंट डेट एंड टाइम देखना है, तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं. आप लिख सकते हो सिलेक्ट नाउ, आप लिख सकते हो सिलेक्ट सिस डेट. तो मैं सिलेक्ट नाउ लिखूंगी, हाँ एग्जैक्टली जहाँ. सो सिलेक्ट नाउ विल गिव यू द करंट डेट एंड टाइम, सिलेक्ट सिस डेट विल ऑल्सो गिव यू द करंट डेट एंड टाइम. तो अगर मैं यहां पर लिखती हूँ सिलेक्ट नाउ राउंड ब्रैकेट सेमी कॉलन, सो इट इज गिविंग मी द करंट डेट एंड टाइम. सो अभी क्या है, 21 मार्च 2024, टाइम हुआ है 11:39:54. ठीक है, और आप यहाँ पर अब क्या करना चाहते हो, एक और तरीके से इसको देखना चाहते हो. सो सिलेक्ट सिस डेट एंड आई गेट इट दिस वे. ठीक है, ये आ गया मेरे पास. सो सिलेक्ट सिस डेट 11:40:12, सो आई गेट इट लाइक दिस. सो ये मेरे पास सिस डेट का आ गया. नाउ एंड सिस डेट वर्क्स लाइक दिस. फाइन, अब आपको सिर्फ टाइम, मतलब सिर्फ डेट चाहिए, टाइम नहीं चाहिए. सो आई हैव एन ऑप्शन कॉल्ड करंट अंडरस्कोर डेट. तो इससे क्या होगा, सिर्फ डेट आ जाएगी, टाइम नहीं आएगा. दूसरा तरीका सी यू आर डेट, कर डेट, कर डेट, सी यू आर डी ए टी, इसमें अंडरस्कोर नहीं आता, करंट डेट में अंडरस्कोर आएगा. सी यू आर डी ए टी ई विल गिव यू द करंट डेट, नॉट द टाइम, ओनली द डेट. अब इस डेट के अंदर से भी आपको सिर्फ मंथ चाहिए, सिर्फ डे चाहिए, सिर्फ ईयर चाहिए, वो भी आप कर सकते हो. ठीक है, मेरे को आज देखना है सिर्फ डे कौन सा है, मुझे पूरी डेट नहीं चाहिए, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, सिलेक्ट डे नाउ. तो आज क्या है, 21, है ना? फिर मैंने क्या लिखा, सिलेक्ट मंथ नाउ, मंथ नहीं चाहिए, मंथ का नाम चाहिए, तो वो भी कर सकते हैं. सिलेक्ट मंथ की जगह मंथ नेम लिख दो, तो कौन सा मंथ है, मार्च. जरूरी नहीं है कि सिर्फ आज की डेट का ही देखें. ठीक है, मैं देखना चाहती हूँ कि इस साल मेरे बर्थडे पे कौन सा डे होगा. सो वी हैव डे नेम फंक्शन. ठीक है, और डेट को आप हमेशा कोट्स में लिखोगे. फॉर्मेट क्या होता है, पहले ईयर आता है, फिर आपका मंथ आता है, फिर आपका डे आता है, एंड देन यू
computer. So it will be Sunday. क्या बात है? So it will be Sunday this year. ठीक है, आपको देखना है आपका एग्जाम कौन सा दिन है, दैट इज 2nd of April. सो हम यहाँ लिख सकते हैं सिलेक्ट डे नेम 2024. वैसे हमें पता है कि ट्यूजडे को है, बट फिर भी 04 and 02, राइट, एंड इट इज ट्यूजडे. ठीक है, सो यू कैन गेट द डे नेम ऑफ वॉट एवर डे यू स्पेसिफाई. ठीक है, आप मंथ नेम देख सकते हो, आप डे नेम देख सकते हो, आप सिर्फ ईयर देखना चाहते हो तो हम सिलेक्ट ईयर लिख सकते हैं और ईयर के ब्रैकेट में जो भी डेट लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं. ईयर नेम जैसा कुछ नहीं होता क्योंकि ईयर का नाम नहीं होता. ठीक है, सो ईयर इज ऑलवेज इन नंबर्स. सो डे और डे नेम दो फंक्शन है, मंथ और मंथ नेम दो फंक्शन है, ईयर आपके पास अकेला ईयर है जिससे आप किसी भी डेट का ईयर चेकआउट कर सकते हो. सो वी हैव नाउ, हमने देख लिया, डेट इज यूज टू कन्वर्ट. अगर आपके पास स्ट्रिंग टाइप में डेटा है, आप उसको डेट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप डेट यूज कर सकते हो. मंथ हो गया मंथ नेम हो गया, ईयर हो गया डे हो गया, डे नेम हो गया, राइट. सो दीज आर योर डेट फंक्शंस. और अब आती है बारी इसकी. सो डेट वाले बहुत सिंपल से थे, ज्यादातर आपको क्वेश्चन डेट के एसक्यूएल में कैसे आ जाते हैं कि डिस्प्ले ऑल दोज एम्प्लॉयज हु जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन इन 2003. सो अब टेबल में तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग दी हुई है, क्वेश्चन कह रहा है कि उनको दिखाओ जिन्होंने 2003 में ज्वाइन किया था. तो आपकी क्वेरी वहां पर क्या हो जाएगी, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम टेबल का नाम वेयर ईयर ब्रैकेट डेट ऑफ ज्वाइन इज इक्वल टू दिस. तो हम वहां से ईयर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसी जगहों पर हम डेट फंक्शंस को यूज करते हैं. ठीक है, सो नाउ एज यू सी द फंक्शंस लिस्टेड ओवर हियर फॉर स्ट्रिंग्स. ठीक है, अब ये स्ट्रिंग के फंक्शंस देखते हैं क्या हैं और कैसे हम इन पे काम करेंगे. When is your accounts exam? कर टाइम में करंट डेट कर टाइम नहीं होता. 23rd आज क्या है, परसों है. अच्छा कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. ओके, नाउ आई हैव सिलेक्ट यू केस और आपने यहां पर लिख दिया इंफॉर्मेशन. तो यू केस नाम से ही पता चल रहा है ना, नाम से ही पता चल रहा है कि यू केस का मतलब है अपर केस. अपर केस का मतलब है कैपिटल लेटर्स. सो अगर आप ये लिखते हो तो आपके पास आउटपुट में क्या आएगा, जो भी स्ट्रिंग हमने पास की है वो कैपिटल लेटर्स में आ जाएगी. और ये दो तरीके से हो सकता है, यू केस और अपर, दोनों का काम सेम है. तो आप चाहे यू केस लिखो चाहे अपर लिखो, दोनों से क्या होगा, आपकी जो स्ट्रिंग है वो कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट होके आ जाएगी. ठीक है, सिमिलर वे एल केस या फिर लोअर अगर हम यूज करते हैं तो उसमें आपने जो भी स्ट्रिंग दी है वो स्मॉल लेटर्स में आ जाएगी. तो ये किस में शो करेगा, कैपिटल लेटर्स में. ये किस में शो करेगा, स्मॉल लेटर्स में. सो आप कैपिटल लेटर्स में देख सकते हो, आप स्मॉल लेटर्स में देख सकते हो. एनी हाउ वी कैन गेट इट, सो ईदर यू गेट इट इन कैपिटल लेटर्स और यू गेट इट इन स्मॉल लेटर्स, जैसे मैं उसे देख लू. ठीक है, सो कैपिटल लेटर्स स्मॉल लेटर्स हो गया. फिर अब हमारे पास उसके बाद क्या है, आपके पास है लेंथ. लेंथ क्या करता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करता है. अगर आपने लिख दिया लेंथ हेलो, अब बहुत बच्चे इसमें बहुत ही सिली मिस्टेक करते हैं. सिलेक्ट लेंथ हेलो लिखा है, मैंने कितनी बार देखा है बच्चे इसका आंसर देते हैं 4, है ना. क्यों देते हैं 4, क्योंकि आप सोचते हो कि ये 0 से शुरू हो रहा है, 0 1 2 3 4, तो 4 आ गया. पाइथन में भी लेंथ होता है हमारे पास, वहां पे भी आप ये गलती कर सकते हो, पर एसक्यूएल में तो वो गलती भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि एसक्यूएल में पहला कैरेक्टर 0 पोजिशन पे होता ही नहीं है. इसमें आपका फर्स्ट कैरेक्टर 1 पोजिशन पे होता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5. सो लेंथ का मतलब है टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन योर स्ट्रिंग. सो लेंथ बताता है कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स वी हैव इन द टेक्स्ट. तो जो भी स्ट्रिंग गिवन है, जो भी टेक्स्ट गिवन है, उसके अंदर कितने अल्फाबेट स्पेसेस स्पेशल सिंबल्स, मतलब सारे कैरेक्टर्स में ला लो, किसी भी तरह का कैरेक्टर हो, कोट्स में टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं, वो हमें लेंथ से पता चलता है. सो दैट इज द पर्पस ऑफ लेंथ. ठीक है, अब इसके बाद आता है एक्सट्रैक्टिंग
पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग, जैसे पाइथन में स्लाइसिंग होती है पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, यहां पर हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं। क्या फंक्शंस हैं? आई हैव अ फंक्शन कॉल्ड लेफ्ट, मैंने लिखा सिलेक्ट लेफ्ट और फिर यहां पर लिखा इंफॉर्मेशन कॉमा फोर, ठीक है। सो इंफॉर्मेशन कॉमा फोर मतलब कि आपको लेफ्ट साइड से चार लेटर्स उठाने हैं, INFO, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इन्फो। लेफ्ट साइड से मतलब स्टार्टिंग से फोर लेटर्स इट विल पिक, सो स्टार्टिंग से चार लेटर्स उठा लिए तो वो क्या हो गया, लेफ्ट। ऐसे ही अगर आप राइट यूज करते हो तो वो पीछे से पिक करेगा। सो अगर मैंने यहाँ पर सेम स्ट्रिंग लिखी और फोर लिखा तो राइट साइड से कितने हैं, TION, ठीक है। आप चार पांच छह दस जितने मर्जी पिक कर सकते हो, आपकी मर्जी है, बट वी कैन पिक ईदर फ्रॉम द लेफ्ट और वी कैन पिक फ्रॉम द राइट। और दो आर्ग्यूमेंट्स भेजने ही हैं आपको, अपनी स्ट्रिंग भी भेजनी है और बताना है कि कितने कैरेक्टर्स हमें यहाँ से फेच करने हैं। सो ये तो लेफ्ट राइट होगा सीधे सीधे। अब हमारे पास एक फंक्शन है, उसको आप चाहे मिड लिखो, चाहे आप सब str लिखो, चाहे आप सब स्ट्रिंग लिखो, चलता एक ही तरीके से है, सबका काम सेम है। सेम कैसे है कि अगर मैं मिड लिख रही हूँ तो सबसे पहले तो मुझे स्ट्रिंग लिखनी है, फिर मुझे लिखनी है स्टार्टिंग पोजिशन, कि मुझे स्ट्रिंग में से कुछ कैरेक्टर्स फेच करने हैं तो किस पोजिशन से मैं उनको निकालना शुरू करूंगी, एंड देन आई हैव टू गिव द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर्स आप फेच करना चाहते हो। जैसे कि आपने लिखा सिलेक्ट मिड हेलो, मैंने लिखा 2,3, सो 2 पे क्या है E और वहां से तीन कैरेक्टर्स, तो वो क्या फेच करेगा, TLL, ठीक है। सो मैं आपको ये एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ कैसे काम करता है। देखो ये मेरा SQL है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ सिलेक्ट एल केस इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस 2024, लेट्स से। So I press enter, so everything is coming in small letters. मैं lower लिखती तो भी एक ही बात थी, ठीक है। अगर मैं L case की जगह U case कर दूंगी, everything is coming in capital letters. अगर मैं यहाँ पर length use करती हूँ, so it will give me the length. इसमें alphabets भी count हो रहे हैं, digits भी count हो रहे हैं, बीच में जो spaces हैं वो भी count हो रहे हैं, तो उसको मिलाकर हमारे पास 26 characters बन रहे हैं, ठीक है। Then you want to fetch from the left hand side 5 characters, तो आपने यहाँ पे left कर दिया और यहाँ पर दे दिया comma 5, so that is INFOR. Similar way you want to fetch 4 characters from the right hand side, so it gives you 2024, ठीक है। अब आता है हमारा mid function। देखो mid function में क्या होगा, आप mid sub str sub string कुछ भी लिख सकते हो। अब यहां पर मैंने कहा कि मुझे फेच करना है थर्ड पोजीशन से 4 लेटर्स, सो थर्ड पोजीशन पे है एफ, है ना, वहां से 4 लेटर्स हो जाएंगे FORN, राइट। सो थर्ड पोजीशन से 4 लेटर्स आपने फेच किए, दैट बिकम्स FORM, समझ आ रहा है ना। अब क्या करना है, इसके बाद आप यहाँ पर किसी भी पोजीशन से फेच करा सकते हो। आपको 13 से 4 पे फेच करने हैं तो लास्ट तक आ जाएगा। जैसे आपके पास 13 पोजीशन से 4 हो गए प्रैक, अब आपने 13 की जगह, हमारी लेंथ कितनी आई थी इसकी, 23 दे दिया, ठीक है। 23 से 4 कैरेक्टर्स क्या आ गए, 2024। अब मैंने यहाँ पर 33 दे दिया, 33 तो पोजिशन ही नहीं है मेरे पास, तो क्या होगा, ब्लैंक आ जाएगा, ठीक है। या फिर आपने दिया तो 23, लेकिन आपने बोला 7 कैरेक्टर्स फेच करने हैं, तो जितने थे उतने फेच कर लेगा, 23 से शुरू करके 7 लेटर्स तो थे ही नहीं, 4 ही बचे थे, तो 4 ही बचे थे तो वही 4 लेटर्स हमारे पास आ गए, दैट बिकम्स योर आंसर, सो योर आंसर इज 2024, समझ आया, इज दैट क्लियर। So, अगर आप इसमें सेकेंड पोजिशन देते ही नहीं हो, मान लो आपने 20 दे दिया
और आपने ये बताया ही नहीं कि कितने कैरेक्टर्स फेच करने हैं, ठीक है? आपने क्या लिखा, इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस 2024 कॉमा 20, बस, और ये नहीं बताया कितने फेच करने हैं। तो क्या हो जाएगा, जितने पीछे बचे होंगे। सो जो भी कैरेक्टर मैं यहाँ पे दूंगी, अगर मैं 10 दे देती हूँ तो वो 10 से शुरू करेगा एंड इट विल फेच टिल दी एंड, लास्ट तक जितने भी होंगे सारे आ जाएंगे, ठीक है? सो अगर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मिसिंग हो तो जो स्टार्टिंग पोजिशन है वहां से लेकर एंड तक सारे कैरेक्टर्स आ जाते हैं। इवन आप स्टार्टिंग पोजिशन को नेगेटिव भी दे सकते हो। इफ आई गिव -10 तो वो आखिरी 10th, मतलब 10th लास्ट कैरेक्टर से शुरू करके सारे कैरेक्टर्स को शो कर देगा। आपको आखिरी 10th से सिर्फ 5 लेटर्स ही फेच करने हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो वो -10 से सिर्फ 5 कैरेक्टर्स फेच करेगा। सो -10 कैसे निकालोगे, 4 है -1 पे, फिर -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, तो टी हो गया -10 पर। सो अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा था -10 के बाद तो पूरा एंड तक आ गया, लेकिन अगर आप बताते हो हाउ मेनी कैरेक्टर्स टू फेच तो वो नेगेटिव से कर सकता है। तो हम मिड और सब एसटीआर में नेगेटिव नंबर भी दे सकते हैं स्टार्टिंग पोजिशन में, ठीक है? सो यू कैन गिव अ नेगेटिव नंबर इन दी स्टार्टिंग पोजिशन ताकि वो उसके अकॉर्डिंगली हमें रिजल्ट को दिखाए। इज दिस क्लियर? जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं आप वो नेगेटिव नहीं दे सकते, वहां पर आपके पास फिर कुछ नहीं आएगा, ठीक है? अगर आपने ये पॉजिटिव भी दिया होता तो भी। सो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यू नीड हैज टू बी पॉजिटिव। हाउ कैन आई गेट -5 कैरेक्टर्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग, है ना? -5 पोजिशन से शुरू कर सकते हो पर -5 कैरेक्टर तो नहीं होते ना। कैरेक्टर तो हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा कि आपको कितने कैरेक्टर्स चाहिए, ठीक है? सो दैट्स मिड। अब इसके बाद एक फंक्शन है इन एस टी आर, इन स्ट्रिंग भी उसको आप कह सकते हो, पर लिखते हम सिर्फ इन एस टी आर है। सो इन एस टी आर मतलब इन स्ट्रिंग, उसका काम क्या है, सर्च करना। वो एक स्ट्रिंग के अंदर दूसरी स्ट्रिंग को ढूंढ के बताता है किस पोजिशन पे है। जैसे कि आपने यही लिखा सिलेक्ट इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, और यहां पर मैंने लिख दिया इन एस टी आर, इन एस टी आर, और यहाँ पर आप अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग दोगे और फिर दूसरी स्ट्रिंग दोगे कि आप सर्च क्या कर रहे हो। मैं सर्च कर रही हूँ ओ आर को, आई प्रेस एंटर। सो अगर हम ओ आर को सर्च कर रहे हैं तो ओ आर स्टार्ट एट पोजिशन 4, आई 1 हो गया, एन 2, 3, 3 के बाद ओ है 4 पे और उसके आगे आर भी है। सो इट की जो स्टार्टिंग पोजिशन होगी वो रिटर्न करेगा। सो और की स्टार्टिंग पोजिशन क्या है, 4, तो 4 से वो शुरू हो रहा है तो आपके पास और आ गया, ठीक है? आपने यहाँ पर कुछ और सर्च करना है, आप कुछ और सर्च करके देख सकते हो। आपको प्रैक सर्च करना है तो उसने बता दिया 13 पे है। आपको स्पेस सर्च करना है कहाँ पर है, आप सिर्फ स्पेस दे दो, स्पेस कहाँ है, 12 पे है, ठीक है? सो हम इन एस टी आर की हेल्प से सर्च कर सकते हैं कि कोई भी वैल्यू कहाँ पर है। पर अगर कोई ऐसी वैल्यू आप सर्च करो जो कि है ही नहीं, जैसे मैं इसमें ऑल सर्च कर रही हूँ, ऑल तो है ही नहीं, तो वो 0 दे देगा। सो अगर आप एक ऐसी वैल्यू को सर्च करते हो जो आपके पास नहीं है, देन इट गिव्स यू 0, ठीक है? आपने यहाँ पर सर्च किया 2 कहाँ पर है, तो 2 है 23 पोजीशन पे, ठीक है? देन या दैट्स इट। सो इसमें हम फर्स्ट अकरेंस की पोजीशन ही हमेशा पा सकते हैं। सो इट ऑलवेज गिव्स यू द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस, दैट इज द पर्पस ऑफ इन एसटीआर। इसके बाद लास्ट स्ट्रिंग फंक्शन जो आपका है वो है ट्रिम। ट्रिम का मतलब क्या होता है, किसी चीज को कट करके छोटा करना, है ना? हम बालों की ट्रिमिंग कराते हैं कि कट करके छोटे करने हैं, बराबर करने हैं, कुछ भी ऐसा कुछ, एक फिक्स्ड पैटर्न में उसको लेकर आना है। वैसे ही आप स्ट्रिंग को भी ट्रिम कर सकते हो। फर्स्ट वाले, यस चाहत, कोई वैल्यू दो बार है तो सिर्फ फर्स्ट वाले की पोजिशन ही शो करेगा, ठीक है? अब जैसे मैंने यहां पर लिखा सिलेक्ट लेंथ हो 1, 2, 3, 4, 5 स्पेस, फिर लिखा हेलो, फिर कुछ स्पेसेस दिए, फिर लिख दिया एवरीवन और फिर कुछ स्पेसेस दिए। सो इट्स शोइंग मी 25 जिसमें आपकी सारी लेंथ इंक्लूडेड है, ठीक है? अब आप यहां पर क्या चाहते हो, ये जो स्पेसेस है आगे के और पीछे के, ये आप हटाना चाहते हो, यू वांट टू रिमूव दिस। तो आप लिख सकते हो सिलेक्ट एल ट्रिम। एल ट्रिम से क्या होता है, सिर्फ लेफ्ट साइड के स्पेसेस रिमूव होते हैं। सो एल ट्रिम से जब मैं शो करूंगी रिजल्ट को, आप देखो हेलो के आगे कोई स्पेस नहीं छोड़ा उसने,
पर इससे हमें पता तो चल नहीं रहा एग्जैक्टली स्पेसेस कहाँ से गए, तो हम क्या कर सकते हैं इसी के आगे लेंथ लगा के अपनी मन को तसल्ली दे सकते हैं कि भाई सच में स्पेसेस हटे हैं। सो ओरिजिनल लेंथ ही 25। अब मैंने एल ट्रिम के बाद लेंथ चेक की, एरर क्यों आया, सिलेक्ट लेंथ एल ट्रिम, अच्छा सेमी कॉलन इधर आया, सो ये आ गया 20। तो जो शुरू के 6 कैरेक्टर्स थे वो रिमूव हो गए, ठीक है, आगे के ब्लैंक स्पेसेस रिमूव हो गए। अगर मैं आर ट्रिम करती हूँ पीछे के ब्लैंक स्पेसेस रिमूव हो जाते हैं। अगर आप सिर्फ ट्रिम करते हो ना एल ना आर तो सारे ही स्पेसेस रिमूव हो जाते हैं, लेकिन बीच में जो स्पेसेस हैं उनको कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर आपने ट्रिम भी किया है आप इस लेंथ को हटा दो, जब ये आपकी वैल्यू को प्रिंट करेगा आपके आगे या पीछे कोई स्पेसेस नहीं है, लेकिन जो बीच में स्पेसेस हैं लाइक हेलो स्पेस एवरीवन मल्टीपल स्पेसेस हैं दे आर नॉट रिमूव्ड। सो इट ओनली रिमूव्स द स्पेसेस फ्रॉम द बिगिनिंग और फ्रॉम द एंड, इट डज नॉट रिमूव द स्पेसेस फ्रॉम विद इन द स्ट्रिंग। सो बीच में जो है वो कभी भी रिमूव नहीं होते हैं, जबकि आगे और पीछे वाले स्पेसेस हम रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एल ट्रिम एंड आर ट्रिम। आगे के स्पेसेस को लीडिंग स्पेसेस कहते हैं, पीछे के स्पेसेस को ट्रेलिंग स्पेसेस कहते हैं। सो वी हैव लीडिंग स्पेसेस एंड वी हैव ट्रेलिंग स्पेसेस, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। सो अभी आपको मैं कुछ क्वेश्चन सिखाऊंगी जिसके आपको मुझे बताना है कि क्या आंसर्स हैं, राइट। सो वी विल प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस एंड यू विल बी टेलिंग मी दी आउटपुट फॉर द सेम। बताइए व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड, सिलेक्ट मिड बोर्ड एग्जामिनेशन कॉमा 2, 4। सो 2 से शुरू करेगा और 4 लेटर्स फेच करेगा, सो इट विल बी ओ ए आर डी। ए आर डी ई नहीं सुमन, एसक्यूएल है, एसक्यूएल में जो 2 है वो 2 कैरेक्टर ही होगा, 1 से शुरू होता है यहाँ पे। तो आपका 1 पोजिशन पे है बी, 2 पोजिशन पे है ओ, सो 2 से शुरू करके 4 लेटर्स दैट इज ओ ए आर डी, ठीक है, ओके। ये हो गया, देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छे से और क्लियर होते जाएंगे। इसका मैं एक मैराथन भी रखूंगी जिसमें हम सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही करेंगे, सो वंस वी फिनिश द रिवीजन देन वी विल डू इट, ठीक है। सो सिलेक्ट राउंड 67.246, 2। वेरी गुड, इट इज 67.25। तो आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना है, अगला डिजिट 6 है, पीछे एक ऐड हो जाएगा, इट विल बी 25। ओके, आंसर दिस, सिलेक्ट डे ऑफ ईयर। डे ऑफ ईयर वैसे मैंने आपको अभी बताया नहीं है, पर ये पहले था, अब सिलेबस में से रिमूव कर दिया, पर डे ऑफ ईयर एंड डे ऑफ मंथ फंक्शंस होते हैं, वेरी सिंपल। डे ऑफ मंथ बताता है कि मंथ का कौन सा दिन है, एंड इसका आंसर ए है, वेरी गुड। सो दैट इज डे ऑफ ईयर, क्योंकि ये 10 जनवरी है, तो 10 जनवरी मतलब इस साल का 10वां दिन है। अगर ये 10th फेब होता तो आपका आंसर होता 41, है ना, क्योंकि 31 दिन जनवरी में निकल गए और 10th फेब है, दैट मीन्स ये ईयर का डे नंबर 41 है, पर ये आपका ईयर का डे नंबर 10 है क्योंकि ये जैन की ही डेट है। ओके, सिलेक्ट डे नेम सिस डे, सिलेक्ट डे नेम सिस डेट, व्हाट्स द आंसर। वेरी गुड दीपांजलि, यस इट इज
थर्सडे, आज थर्सडे है, तो सिस डेट का डे नेम बताना है आपको, एंड दैट इज थर्सडे. ओके, आंसर दिस. सिलेक्ट, लेन की जगह लेंथ है, मान लो यहाँ पे लेन कोई फंक्शन नहीं होता, सो दैट्स अ टाइपिंग मिस्टेक, लेट इट बी लेंथ. सो सिलेक्ट लेंथ, ट्रिम हेलो, व्हाट विल बी द आंसर. वेरी गुड दीपांशली. आरती, यस इट इज 5, क्योंकि ट्रिम है तो आगे और पीछे दोनों से स्पेसेस रिमूव हो जाएंगे, तो आपके आगे के स्पेसेस भी हट जाएंगे, पीछे के स्पेसेस भी हट जाएंगे, और वो आपको लेंथ कैलकुलेट करके देगा जो कि आएगी 5. ओके, कंकैट इज अ फंक्शन विच इज यूज टू कंबाइन टू स्ट्रिंग्स, कंकैटिनेशन जिसे हम कहते हैं. बट ये कर क्या रहा है, आपके पास है सिलेक्ट लेंथ, लेंथ के अंदर है कंकैट. देखो इसमें ना मल्टीपल फंक्शन एक साथ हैं, तो जब मल्टीपल फंक्शन एक के अंदर एक होते हैं तो हम सबसे पहले सबसे अंदर वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं. तो सबसे अंदर कौन सा फंक्शन है, ट्रिम. सो सबसे पहले काम करेगा इनर मोस्ट फंक्शन, सो ट्रिम इज गोइंग टू वर्क फर्स्ट. उससे मेरे पास हेलो आ जाएगा सिर्फ, ठीक है, फिर वो कंकैट करेगा हेलो और वर्ल्ड को. आंसर आप लोगों का सही है, वेरी गुड. सो 10 इज द करेक्ट आंसर. एंड फिर इसमें कोई स्पेस बचा ही नहीं है, जब कंकैट होता है तो भी अपने आप से तो कोई स्पेस ऐड होता नहीं है, तो हेलो वर्ल्ड जो है उसकी लेंथ आएगी 10. सो पहले हेलो बना, फिर वो कंकैट होके बन गया हेलो वर्ल्ड, और फिर उसकी लेंथ निकाली जो कि है 10. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रीगेट फंक्शन, इसका आंसर क्या होगा, सील. सील जो हमारा फंक्शन है वो का इंडिविजुअल रो फंक्शन है, मैथ कैटेगरी में आता है. तो सील और फ्लोर जैसे पाइथन में पढ़े थे वही सेम चीज है. तो अगर कोई भी नंबर है आपके पास लाइक 7.3, तो सील होगा उसका ऊपर वाला इंटीजर दैट इज 8, और फ्लोर होगा उसका नीचे वाला इंटीजर दैट 7. सो अ नंबर लाइज बिटवीन टू इंटीजर्स, सो सील इज द अपर इंटीजर एंड फ्लोर इज द लोअर इंटीजर. एवीजी तो फंक्शन होता है अभिषेक डी. सो ये तो कुछ क्वेश्चन थे इधर. नाउ लेट्स सी द सैंपल पेपर ऑफ सीबीएसई जो इस साल का है ना. सो अगर आप सैंपल क्वेश्चन पेपर में जाते हो और यहां से जाते हो इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस में है, ठीक है, तो यहां पर हमारे पास इंडिविजुअल रो फंक्शन के ऊपर देखो कितने क्वेश्चन आते हैं. सो टू स्टार्ट विद, ये रहा पहला क्वेश्चन, प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी, सिलेक्ट मॉड 9,0. तो सिलेक्ट मॉड 9,0 में क्या होगा, का आंसर आएगा नल. नल मतलब कुछ भी नहीं, क्योंकि जीरो से डिविजन पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर है 2. नल, नल मींस नथिंग, जीरो भी नहीं आएगा, जीरो तो नंबर होता है, सो नल मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है. देन आपके पास आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस डज नॉट बिलोंग टू द मैथ फंक्शन कैटेगरी, पावर बिलोंग करता है, राउंड बिलोंग करता है, मॉड करता है, लेंथ नहीं, लेंथ स्ट्रिंग फंक्शन है. सो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट स्ट्रिंग फंक्शन, ठीक है. उसके बाद हम ये रहा आपका प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी, सिलेक्ट एल केस मंथ नेम, एंड यहाँ पे डेट दी हुई है. सो मंथ कौन सा है, 03, दैट मीन्स मार्च, और मार्च को इसमें शो कर रहे हैं एल केस में, मतलब स्मॉल लेटर्स में, सो मार्च विल बी डिस्प्लेड, ठीक है. देन आपके पास ये हो गए, एंड देन व्हेन यू कम टू द क्वेश्चंस, सो यहाँ पर आपको पूछा है कंसिडर द गिवन एसक्यूएल स्ट्रिंग, राइट सूटेबल एसक्यूएल क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग, रिटर्न्स द पोजिशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द सबस्ट्रिंग द इन द गिवन स्ट्रिंग. सो कौन सा फंक्शन यूज होता है, यहाँ पर हम क्या आंसर लिखेंगे, इन एसटीआर आपको पूरी कमांड लिख के दिखानी है, तो आप पूरी कमांड लिखोगे दैट विल बी सिलेक्ट, है ना, दैट विल बी सिलेक्ट रिटर्न्स द पोजिशन, सिलेक्ट इन एसटीआर और ब्रैकेट में हम अपनी स्ट्रिंग दे देंगे, दैट इज 12 हैश ऑल द बेस्ट कॉमा द. आप चाहो तो इसका आउटपुट बता सकते हो क्या होगा, लेकिन आउटपुट बताने के मार्क्स नहीं है इसमें, ये लाइन लिखने के मार्क्स हैं. तो जब आपको बोला है राइट सूटेबल एसक्यूएल क्वेरी, दैट मींस यू हैव टू राइट द प्रॉपर कमांड फॉर दिस, ठीक है. ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ इन एसटीआर फंक्शन का नाम ही लिख दिया कि इन एसटीआर यूज होगा और छोड़ दिया, नो, इट हैज टू बी अ प्रॉपर क्वेरी. सो सिलेक्ट इन एसटीआर
स्ट्रिंग कॉमा द, फिर आप लिख भी सकते हो स्टार लगा के कि आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी द, ढूंढ रहे हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8, सो हम बता सकते हैं कि इसका आंसर 8 आएगा, बट उसके मार्क्स ना तो मिलेंगे ना उसको ना लिखने से कटेंगे. ठीक है, टू एक्सट्रैक्ट लास्ट 5 कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्ट्रिंग. सो लास्ट 5 कैरेक्टर्स के आपके पास 2-3 आंसर्स बन सकते हैं, जो भी आप लिखोगे आपको सही मार्क्स मिल जाएंगे. दैट इज सिलेक्ट राइट स्ट्रिंग दोगे कॉमा 5, इससे आपके पास लास्ट 5 कैरेक्टर्स आ जाएंगे. मैं इसमें यहाँ पर सिलेक्ट मिड स्ट्रिंग लिख के -5 लिख सकती हूँ ऐसे, तो -5 से शुरू करके एंड तक सारे लेटर्स आ जाएंगे. आप पोजिशन भी दे सकते हो कि भाई किस पोजिशन से शुरू करना है, सो डिफरेंट वेज यू कैन यूज, बट जो भी लिखो उसका मीनिंग सही होना चाहिए. ठीक है, वो हो गया, ये भी आपका इंडिविजुअल रो फंक्शन पे बेस्ड हो गया. फिर हम आगे आ जाते हैं, जैसे अब यहाँ पे सीधा ही पूछ लिया व्हाट आर एग्रीगेट फंक्शंस, ऐसे ही आपको थ्योरी में ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल रो फंक्शन एंड एग्रीगेट फंक्शन, सो यू शुड बी एबल टू राइट दैट. ठीक है, अब एवरेज सेल है, सेगमेंट वाइज हाईएस्ट, ये सब ग्रुप फंक्शन के ऊपर बेस्ड है. या फिर आप देखो हमारे पास ये क्वेश्चन में चॉइस दी हुई है. ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरीज बेस्ड ऑन द कार सेल्स गिवन टेबल. क्या लिखा है, सिलेक्ट लेफ्ट सेगमेंट कॉमा 2 फ्रॉम कार सेल्स वेयर फ्यूल इज इक्वल टू पेट्रोल. ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर देखना है कि भाई पेट्रोल वाले कौन से हैं और उनके सेगमेंट में से लेफ्ट साइड से 2 लेटर्स शो करने हैं. सो लेफ्ट सेगमेंट 2 फ्रॉम कार सेल्स वेयर फ्यूल इज इक्वल टू पेट्रोल. तो इसका आउटपुट हम कैसे लिखेंगे, आउटपुट में हमेशा सबसे पहले ऊपर हेडिंग आती है, तो हेडिंग में आप अपना ये पूरा फॉर्मूला लिख दोगे. फिर पेट्रोल वाले कौन से हैं, पहला वाला पेट्रोल है कॉम्पैक्ट हैचबैक, इट्स पेट्रोल, लेफ्ट साइड से 2 लेटर्स, लेफ्ट साइड से 2 लेटर्स क्या है, CO. फिर उसके बाद है MU, फिर है SU और फिर है सेडान. सो चार ही तरह की गाड़ियां हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर भी ये यूज हो गया. फिर है QT2 माइनस QT1 अपॉन 2 एवरेज सेल फ्रॉम कार सेल्स वेयर सेगमेंट. इसमें कोई भी फंक्शन यूज नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर आप नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हो. तो हेडिंग जो होगी कॉलम की वो आएगी एवीजी सेल, क्योंकि इन्होंने अलायंस दिया हुआ है. और फिर आप क्वार्टर 2 माइनस क्वार्टर 1 करके 2 से डिवाइड करके जो भी वैल्यू आएगी वो लिख दोगे वहां पे, जहां पे सेगमेंट एसयूवी है, मतलब सिर्फ इन दो रोज के लिए. ठीक है, सिलेक्ट सम क्वार्टर 1, ये ग्रुप फंक्शन है, आपको टोटल सेल करनी पड़ेगी जहां पर फ्यूल जो है वो डीजल है. ठीक है, दैट इज अनदर थिंग. ओके, हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे एसक्यूएल की. लास्ट 5 दिन तो बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस ही होगी सिर्फ, इसलिए आपको सारे टॉपिक्स पहले रिवाइज करा दें कि आप रिवीजन जो है अपनी 28 तारीख से पहले पहले खत्म कर दो. ठीक है, जो रिवीजन का काम है वो 28 से पहले पहले सारा खत्म हो जाएगा, और फिर आखिरी 5 दिन ओनली ओनली प्रैक्टिस. ठीक है, अब क्या है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द ईयर ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रांजेक्शन. सो ईयर ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रांजेक्शन आपको दिखाना है, तो ओल्डेस्ट ट्रांजेक्शन के लिए ग्रुप फंक्शन यूज करना पड़ेगा. ठीक है, एज वेल एज ईयर भी लगाना पड़ेगा. तो ओल्डेस्ट कौन सी होती है, जो सबसे मिनिमम डेट होगी. सो मिनिमम डेट होगी तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, सिलेक्ट सिर्फ ईयर दिखाना है, तो ईयर मिनिमम ऑफ ट्रांजेक्शन डेट फ्रॉम ब्लॉकचेन. फिर ऐसे क्वेरी टू डिस्प्ले मंथ ऑफ मोस्ट, तो यहां पर आ जाएगा सिलेक्ट मंथ और ब्रैकेट में मैक्स. मैक्स का मतलब है रीसेंट, जो सबसे रीसेंट डेट होती है वो मैक्स से आती है, जो सबसे पुरानी डेट होती है वो मिन से आती है. ऑल ट्रांजेक्शंस डन इन द मंथ ऑफ मे, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्लॉकचेन वेयर मंथ नेम, मंथ नेम क्योंकि मे बोला ना, मंथ नेम ब्रैकेट में ट्रांजेक्शन डेट इज इक्वल टू मे. तो जहां पे मंथ नेम ट्रांजेक्शन डेट का मे है उसे शो करो. ठीक है, सो काउंट द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन द ईयर 2002. सो सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम ब्लॉकचेन वेयर, इसमें भी क्या कंडीशन आएगी, ईयर ब्रैकेट में ट्रांजेक्शन डेट is equal to 2022. Do like this. So, इस तरह से आपको questions पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे आपके पास आ सकते हैं. Then you have this
write suitable SQL queries for the following. To calculate the exponent for 3 raised to the power of 4. 3 raised to the power of 4 ke liye kya likhoge? Select power 3, 4. And can you believe iska aapko ek number milega? Free ke marks hai, hai na? So you'll get 1 mark for that. To select current date and time, we write select now. To round off the value to 2 decimal places, select round minus 34.4567,2. देखो ये negative number है, 2 decimal places तक round करना है यहाँ तक, तो ये 46 हो जाएगा, इससे negative से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. To remove all probable leading and trailing spaces, all बोला है, तो select trim, किसके करने हैं? User ID के, from user, ठीक है? To display the length of string FIFA, so it will be select length और फिर अपनी पूरी स्ट्रिंग दे देंगे. तो मतलब इतना इजी क्वेश्चन है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो और चाहिए ही क्या, ठीक है? चॉइस है, आप उसमें से ये भी कर सकते थे. ये तो आपकी बेसिक एसक्यूएल कमांड्स के ऊपर बेस्ड है. सो दैट्स हाउ यू गेट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंडिविजुअल रो फंक्शंस. सो इसकी प्रैक्टिस हम अभी बहुत करेंगे, पर ये सारे फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, वो आपने देख लिया. तो आप एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लो, एंड वी आर गोइंग टू हैव like a good marathon where we will be solving number of individual row functions, ताकि paper में आपको कभी problem ना आए जब आपको ये questions दिखे, ठीक है? So that's it for today.